Allahu, 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 Allahu. मान में ताजगी मिलती है तो सुरूर नहीं लगता है। दोस्तों बुजुर्गो, मैं छोटी जाते मुबारक कलाम का शर्फ हासिल किया जिसे फरमा वो बिल वालिद की एहसान है कि अपने माँ बाप का एहसान करो। आज मैं कायनात ऐसी मां जी हर मां की मां सुभान अल्लाह बेशक क्यों ना उस मां का तज़किरा छेड़न से पहले घर ही मावां दा ताकि पता चले कि घर वाली जिन जमान रूह जिन्हें जमया मां उस मां की बच्चे ना मुहब्बत किनी है ते उस सैदा की अपने मुते ना मुहब्बत किनी सुभान अल्लाह ते मां फरमाए बबी नवाज दे इंसान है मां बाप ना एहसान करो मोला एहसान क्यों करिए रब फरमांदा एहसान है सस्ते करो कि उस मां बाप ने सारी जिंदगी तुहानू किसी चीज की रुकावट नहीं आने उस मां बाप का पहला एहसान से तुम्हें पैदा किया फिर एहसान के तुम्हारे नंगे बदन पर लिबास पहनाया फिर एहसान के मां है तो उसने तुझे दूध पिलाया फिर एहसान तेरी हर तकलीफ को दूर किया फिर एहसान तेरी तरबियत की फिर एहसान तेरी सलाह की फिर एहसान तुझे पढ़ाया फिर एहसान तुझे अच्छे कारोबार में डालने के लिए उसने तबोदो की यानी बचपन से लेकर जवानी तक शादी होने तक फिर औलाद तक हर मोड़ पे माँ बाप ने तुझे किसी शय की कमी होने नहीं दी तो जब माँ बाप ने तुझ पर इतनी कर्म नवाजी की तो तुझे भी हक बनता है कि अपने माँ बाप पर एहसान कर तो एहसान क्या है कि अपने माँ बाप की खिदमत कर की कर बोलो अपने माँ बाप की खिदमत कर सेवा कर तो दोस्तों तो तो याद रखो कि माँ बाप ऐसा मिठा देवा जो दोबारा नसीब नहीं करता दोबारा नसीब बोलो नहीं होना इस मां की मोहब्बत अपने औलाद ने की होती कि रोज मेरे कमली वाली सरकार की बारगाह एक औरत आई मेरे कमली वाली सरकार मस्जिद नबवी ने दर तशरीफ फरमा सर तो बुरी औरत आई आकर रोना शुरू किया मेरे कमली वाली सरकार मस्जिद नबवी के बाहर आई बाहर आए सब तशरीफ लेके इस औरत की नजर पे ऐसा तो सुना भाई की गल है क्यों रो रही है उस मैं देखा जो आंसू जारी ने हाथ बन के अर्ज करते सोनिया व ले दिया जुल्फा वालिया मैं अपने कबीले की वाहिद औरत हां जिने तेरा ते तेरे रब का कलमा पढ़े अपने कबीले की वाहिद औरत हां कि जिसने सोना तेरा कलमा पढ़े एक मैं पढ़ा दूजा मेरे पुत्र ने पढ़े सुभान तो सोनिया व ले दिया जुल्फा वालिया आज एक ही मेरा बेटा सी फोत हो गया मैयत दी नाल लेके आए हैं सोनिया तुम्हें पता है मेरा बच्चा मर गया उठ नहीं सकता लेकिन सोनिया जिस टाइम मरे है ना तो मेरे आले दुआले दे मेरे गुआंढ़िया ने मेरे रिश्तेदार ने मेरे भाइया ने मेरे बहन ने मुझे ताना मारिया कि तू अपने बुतां नु छड्या तेरा ता मरिया तू अपने बुतां नु छड्या उन्हां दी पूजा छड्डी उन्होंने जुटलाया तेरा ता मरिया जे तू उन्हें पूजा कर दी थी हाल नहीं सी होना सोना मर तो गया उठ नहीं सकता पर महीना नहीं छड़ता जरा सोना महीना लग गया ना महीना मनु बर्दाश्त नहीं होता कि सोने कि मैं है भी सच्चा नहीं तो लड़ भी सच्चा नहीं लगी है है भी कला सोने जी गल नहीं बनती इंज गल नहीं बनती जब फरमाया मैं की चाहिए कि सोना जिंदा चाहिए सुभान अल्लाह जिंदा चाहिए जिंदा चाहिए तेरे कमल वाली सरकार ने आगा होके ना बच्चे दे पैर ने गुठे नु पकड़ के लाया पुत्र उठ तो सही बच्चा कलमा पढ़ता उठ के बैठ गया सुभान अल्लाह उठ के बैठ गया मेरे कमली वाली सरकार ने जिंदा क्यों फरमाया उस मां की ममता की वजह कि एक मां को अपने बच्चे का दर्द बर्दाश्त नहीं होते मेरी कमली वाली सरकार ने की कीता कि तकदीर बदल सके मुर्दे को जिंदा कर सके जिंदा किया एक मां
یاد رکھو دوستو، دیکھو ماں کی کرتی ہے، بچے کو پیدا کرتی ہے، کائنات چ ماں وہ بھی جڑی ایمان لے کے دیندی ہے، سبحان اللہ، جدا نام سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ تو زہرا سلام نہ رہا ہے، اب نا فاطمہ، دوسرا نا بطول، تیجا نا زہرا، زہرا کہندے نے جنت دی کلی، کیوں کہہ رہے بولو جنت دی کلی، جنت دی کلی سیدہ خدیجہ کبرا سلام نہ رہا، آپ اپنی بیٹی نو بطول کہندے نے، بولو بطول، بطول کہندے نے پاک نو، تو وہ بھی ایسی پاکی جڑی عام حالت چ ہوندا، پتہ ہے حیض نفاس اس طرح دے معاملات بندے نے، جڑا اینا تو پاک ہوے اونوں بطول کہندے نے، یعنی سیدہ دی پاکی دا عالم ہے اسی کہ گڈی نیاڑا جمے نا، تے جنی دیر تک جسم پاک نہیں ہوندا مسئلے تے کھلو سکدی ہے نہیں، بولو نہیں، نماز پڑھ سکدی ہے نہیں، روزے رکھ سکدی ہے نہیں، نہیں نہ کر سکدی، پر قربان جا سیدہ دی پاکی ترین نہ ماری ورید اللہ علیہ وسلم بانٹ کو مریض آخر بیت تہی رب کا دیرہ کہ رب نے سیدہ نے انہا پاک کیتا کہ پیشی میں لے کی بھی فاطمہ دیگار امام حسن دی پیدائش ہوئی نہیں ٹکر والے مسئلے دیکھ لو کہ نماز پہ پڑھ دے سا، یہ پہ کر دے ہم بولو نماز پہ پڑھ دے سا، نماز پڑھ دے سا، بی بی دی پاکی دا تیار ہوئے، تیسر نا فاطمہ، فاطمہ